हाथ पर, मैंने कहा और हाथ हाथ से महसूस होता है, तो होता है अंदर बराबर। अभी हमें जो है आज से अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक महीना इसको करना पड़ेगा ना। अभी रोज करेंगे, रात को जो लोग करते हैं या इनमें भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं सुबह में, तो आप विलम को ये करनी है, विधिक डाल देना है और उसके साथ में वॉइस इस तरह निकालना है और वाइब्रेशन को महसूस 18 मिनट तक करते जाना है। अब इस तरह आप करोगे तो आपका देह सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आपको अटेंशन यहाँ देना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि आजकल जो हम गायत्री करते हैं एकदम मैकेनिकल करते हैं, वो मैकेनिकल गायत्री हमारी अब समाप्त हो जाएगी और एक लाइव गायत्री जो है वो हम करते हैं। तो एक महीने तक आपको इसको ध्यान से करते जाना, हाथ रख के ही करना है, वही आपका ध्यान वहाँ रहेगा, नहीं तो फिर ध्यान थोड़ा रुक जाएगा। कैसे करते हैं? सुबह करते शाम भी करते हैं, पर
तो थोड़ा उसका मेंटल स्तर के ऊपर हम थोड़ा इमोशनल अगर एड्रेस उसके करते हैं तो उसका एक थोड़ा बेनिफिट मिलता है, और हमें लगता है कि हम शायद के साथ जुड़ते हैं, पर वाइब्रेशन वाइज हमें आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वाइब्रेशन वाइज हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें हमारा स्ट्रक्चर को चेंज करना है। अब आएगी चेस। चेस का अगर आप श्रीजन से बोलोगे तो सबसे वहां तो हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, आप खुद वाइब्रेट होते हुए लंग्स को चेस को आप फील कर पाओगे। ठीक है, और इसे ही में भी डायरेक्ट आता है।
इसके लिए और थोड़ा वेट करना पड़ेगा और पूरा अटेंशन डायफ्राम की मूवमेंट, जैसे नाभि के आजू बाजू ऊपर नीचे हो रहा है तो अटेंशन हमारा वहाँ रहेगा और वहाँ से ये वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सबसे यहाँ ध्यान की के पहले यहाँ से अच्छी तरह साउंड क्रिएट करना सीखना है, फिर आप नीचे के करेंगे और फिर डायफ्राम का भी आ जाएगा, तो फिर आप एक साथ में तीनों का भी कर सकोगे, चेस्ट, डायफ्राम और एब्डोमेन। ठीक है, तो एक तीनों मिलके एक अलग प्रकार का रेजोनेंस करेंगे, मतलब अटेंशन उस दौरान आपका फैला हुआ आएगा। अभी अटेंशन पर्टिकुलर कि मैं चेस्ट पर कर रहा हूँ, अब मैं चेस्ट के और एब्डोमेन पर कर रहा हूँ, मैंने अटेंशन को फैला दिया है, यहाँ भी मेरा ध्यान है, यहाँ भी ध्यान, और डायफ्राम के ऊपर जाकर फिर अंदर भी जाएगा, तीनों जगह पर मेरा अटेंशन रहेगा और वहाँ से पूरा एक काम अलग तरीके का काम निकलेगा। ये बहुत लंबी प्रैक्टिस की जरूरत है और एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई अलग टाइप का साउंड अंदर से, जैसे कोई जुगल बजता है और फिर कोई अलग टाइप का जैसे साउंड निकलता है, इस तरह से अलग टाइप का साउंड ये तीनों में बैठे जैसे बड़े स्पीकर से कैसे आवाज़ आता है, इस तरह आना है काम, ये प्रैक्टिकल करना है आज के। तो धीरे धीरे करके हम ये वाइब्रेशन को फिर हम फील कर पाए, वाइब्रेशन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो आपके अराउंड जिसको हम कहते हैं बॉडी का थोड़ा शरीर के गिर ये फैलता जाएगा, इसके असर आपके डिस इन्फेक्शन चैम्बर के ऊपर पड़ेगा। ओरा तो उसके अंदर ही आता है, ओरा मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओरा कुछ नहीं है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो ओरा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका पावरफुल होता जाएगा, डिस इन्फेक्शन चैम्बर है यहाँ से हमारा इनकमिंग इम्पल्स शुद्ध होकर आता है, वो अगर शुद्ध हो गया तो आपके अंदर डीकम में जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं वो रुक जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चेंज फिर अपने आप में बहुत सारा चेंजेस आना शुरू हो, क्योंकि पेपर में आगे फिर उन्होंने यही सब बताया है कि फिर तीसरे साल क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, इस तरह देखो। जैसे कि यहाँ एक अच्छी बात उन्होंने कही है कि ये जो मैं कहता हूँ डिस इन्फेक्शन चैम्बर, शील्ड इज बीइंग बिल्ट अराउंड यू विच विल कीप और कीप आउट लोअर इम्पल्सिस एंड अनवांटेड वंस, नाउ यू विल बी एबल टू सी योर प्रॉब्लम्स एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय देम रादर देन बी अफेक्टेड बाय देम एंड नॉट सी देम एज अनवांटेड। तो ये होगा आपके अंदर एक शील्ड डेवलप होगा, शील्ड कोई है वो हमारे बॉडी के अराउंड में, उसको डिस इन्फेक्शन चैम्बर भी कह सकते हैं या फिल्टर कहते हैं, तो इस तरह फिर अनवांटेड जो इम्पल्सिस है वो अपने आप में कट होते जाएंगे और आप जो अभी आपके प्रॉब्लम जो आप देख नहीं सकते हैं उसको आप देख भी पाएंगे और उससे आप इफेक्टेड नहीं होंगे, उसके असर आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स है पर प्रॉब्लम्स में इफेक्टेड नहीं, प्रॉब्लम जीवन में बंद नहीं होती आते रहते, पर मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है वो ये चीज यहाँ उसके द्वारा ये बन सकती है। द टोन इम्पोज ऑन मंत्र एंड ब्रेन हैज ऑल्टर्ड द क्वालिटी ऑफ मनस एंड सर्टेन पैटर्न्स ऑफ इम्पल्सिस, दो मीटिंग विल नॉट बी कुक दे विल डिसइंटीग्रेटेड टू द करेक्ट medium for prime then is not available. The mind which was disturbed, the mind which was disobedient child. एक बच्चा होता है वो कैसे हमारे आज्ञा में नहीं रहता है, तो हमारा मन जो है वो disobedient child है, वो हमारा सुनता नहीं है कभी, वो अपनी मर्जी का ही करता है, doing the opposite of what you wanted. Mind क्या करता है, doing opposite what you wanted, मैं जो करना है उसके विरुद्ध ही वो करेगा क्या कराएगा, will now listen to you, फिर एक दिन आपका मन आपको सुनेगा और आपको सहकार करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह अगर हम नए ढंग से अभी शुरू करते हैं, अगर गायत्री में
सच में इंटरेस्ट है और दिल में जाना है तो इस तरह आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और हर समय जब गायत्री करते हैं तो वाइब्रेशन के साथ करो तो विचार अपने आप में कम होते जाएंगे। प्रॉब्लम हमारा विचार का है, गायत्री करते हैं फिर विचार आता है और फिर इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए फिर एक नींद जैसा फिर आना शुरू हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए और वाइब्रेशन जनरेट हो गए तो नींद आने बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्रश्न है। हाँ तो हाँ ये मैं तो जितनी आपकी चेस्ट की प्रैक्टिस बढ़ेगी ना वो चेस्ट की प्रैक्टिस के वाइब्रेशन नीचे जाएंगे। तो पहले तो अभी तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है और हम शुरुआत तो यहाँ से कर रहे हैं तो अभी 2-3 महीने लगेंगे। यहाँ पहले डेवलप करो 2 महीने, फिर यहाँ आओ 3 महीने और यहाँ 1 महीना और जरा गहराई से करो, काम पर्टिकुलर वे से प्रोड्यूस करो और वैसी वाइब्रेशन को फिर नीचे ले जाओ तो और गहरा वाइब्रेशन को बन जाएगा फिर, और फिर लास्ट में ऐसा हम तक समझा पाएंगे। तो अभी थोड़ा धीरज पूर्वक काम करना पड़ेगा। हाँ था ना मैं गला अपने आप को पकड़ना है, दबाना नहीं है, खाली पकड़ के रखो। चलो फिर से यहाँ से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, गला पकड़ो। Yeah.
नहीं नहीं आप यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जब हम मेंटली करते हैं तो हम मन में आराम से बोल के स्वाद ले सकते हैं, जैसे कि ये रिदम है, चलो अब मैं कर रहा हूँ मन में, देखो ये मन में किया मैंने और स्वाद भी लग रहा है, अब मैं बोल के करूंगा तो कोई स्वाद का मायना ही नहीं रहेगा। जब हम मेंटली करते हैं तभी स्वास्थ्य के साथ इसको सिंक्रोनाइज करते हैं, इस तरह से चलो दस सेकंड का ही है ना, हाँ म्यूजिक तो रखना ही है ना, ऐसे नहीं, ये तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए अभी रखा नहीं है आपको, जब जैसे रोज अभी भी कर रहे हैं ना इस तरह ही करना है, खाली साउंड को प्रोड्यूस करना है जिस तरह म्यूजिक है, दस दस सेकंड का जो करते हैं इसी तरह करते हैं, ये टेक्निक डिफरेंट है और कुछ रिदम का, रिदम की तो ये वही पैटर्न रहेगी इसके अंदर। चलो अब कैसे करते हैं, अब मुंह खोल के करना है ना, पर गहराई के साथ, नीचा सा नीचा साउंड, करके देखेंगे और
मैंने इसका एक रिकॉर्डिंग किया है, 6 मिनट की एक माला होती है, उसमें बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, रिदम के साथ 36 के ऊपर बोलना पड़ता है, उसका रिकॉर्डिंग है, उसके साथ में 6 मिनट तक ट्राई करेंगे, खाली ट्राई करेंगे, ट्राई मतलब आपको आइडिया है इसके लिए, भाई आगे जाके आप 36 पर करेंगे तो 30 तरह करेंगे, और 18 का तो आसान है, 18 के ऊपर भी एक करेंगे, तो आपको तीनों रिदम पर अलग अलग किस तरह ये गायत्री करना है वो आप सीख जाओगे, पर ये अभी नहीं करना है 36 और 18 का, अभी ग्रह के ऊपर ही ये इसके ऊपर वाइब्रेशन के ऊपर फोकस, बाद में हम 36 के ऊपर जाएंगे।